हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, हमने एक स्फेरिकल मिरर लिया है। उसमें कौन सा मिरर है? तो यह एक कॉनकेव मिरर है। ठीक ना, स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर हमने M1 M2 कंसिडर कर लिया, एक स्फेरिकल मिरर है यानी कॉनकेव मिरर है। कैसा है? स्मॉल अपर्चर का, यानी जो हमारे पास M1 M2 दिख रहा है ये क्या है? अपर्चर है। ठीक ना, कॉनकेव मिरर का, और ये स्मॉल अपर्चर का हमने एक कॉनकेव मिरर लिया। ठीक ना, यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो लीनियर मैग्नीफिकेशन हो रहा है, उसको हमें स्टडी करना है और उसके लिए फार्मूला डिराइव करना है। तो देखते हैं, द लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए स्फेरिकल कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाई द मिरर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बोथ मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कुल मिलाकर ये कहना है, जो हमारे पास यहाँ पर इमेज बन रहा है और ये जो ऑब्जेक्ट, यानी इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट कहाँ से मेजर करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के, वो भी परपेंडिकुलर। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हम क्या करें, जो इमेज हाइट है उसको मेजर कर लें। आई आई डैश इमेज है और ओ ओ डैश ऑब्जेक्ट हाइट है। यानी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर कर लें, और इमेज के हाइट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर कर लें। दोनों का रेशियो जो मिलेगा वही कहलाएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या कहलाएगा? लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और स्फेरिकल मिरर्स के लिए ये फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? तो होता है M = -V/U। ठीक ना, अभी हम इस क्या करेंगे, इस फार्मूले को डिराइव करेंगे। तो जैसा देखा गया, यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है ये तो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में है, लेकिन जो डिफिनीशन कह रहा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एक रेशियो है किसका? इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का। ठीक ना, तो अभी हम उस फार्मूले को डिराइव करेंगे, बट लास्ट में जो हमारा फार्मूला डिराइव होकर आएगा वो यही आएगा जहां पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर मैग्नीफिकेशन को। क्या? लीनियर मैग्नीफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम फिगर को देखें, यहां पर हमने कंसिडर कर लिया ओ ओ डैश एक ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है पॉइंट ए पर। अब ये क्या है, ये लाइट जो ओ डैश ए है, ये प्रिंसिपल एक्सिस ओपी, प्रिंसिपल एक्सिस ओपी के क्या है? पैरल है। अब रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल होगी तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास आउट होगी? तो फोकस से पास आउट होगी, तो ये फोकस से पास आउट हो गए। ठीक, एक दूसरा रे हमने लिया, वो क्या हुआ, यहाँ से आया और पोल पी पर इंसिडेंट हुआ। अभी हमारे पास ओपी जो है, अगर इसको हम नॉर्मल कंसिडर कर लें तो ओ डैश पी ये भी इंसिडेंट रे होगा, ये भी इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे इस ओपी से यानी प्रिंसिपल एक्सिस से एक एंगल फॉर्म करेगा, दैट आर कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब क्या होगा, ये मिरर है, और जब मिरर पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो फिर रिफ्लेक्ट होगी। जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पर एक एंगल आर बनाते हुए वो पास आउट होगी। जैसा हम जानते हैं, अगर वो मिरर है और वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। हम जैसा कि जानते हैं कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ जो है किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो क्या कहता है? तो ये कहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये दोनों एंगल सेम होते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में ओ डैश पी ओ, यानी एक हमारे पास एंगल बन रहा है क्या, एंगल ओ डैश पी ओ मिल रहा है, ओ डैश पी ओ। ये क्या बना रहा है? तो ये बना रहा है एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली यहां पर देखें आई डैश पी आई, तो एक हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है क्या, आई डैश पी आई, ये हो जाएगा एंगल आर, नहीं हो जाएगा,
ये हमारे पास एंगल आई मिल गया, ये एंगल आर मिल गया, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, आगे जरा देखें, यहाँ पर देखें ओ डैश ओ पी क्या बना रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जरा देखें अगला क्या दिख रहा है, हमारे पास आई डैश आई पी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। अगर ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ए भी है, ए भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये दोनों एंगल भी सेम हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी ओ डैश पी ओ और आई डैश पी आई, अगर ये दोनों एंगल सेम हैं और ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री हमें जानते हैं ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे। क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और सिमिलर होंगे तो फिर क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का जो लॉ है, जो ज्योमेट्री है, उसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक ना, उससे कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको क्या करेंगे, इसका फार्मूले को हम डिराइव करेंगे। ठीक ना, तो अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसके बाद से इरेज करते हैं और इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो फिगर से देखते हैं, हम लोग ये देख रहे हैं ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल ओ डैश पी और क्या है पी ओ, ये क्या है एंगल आई के बराबर दिख रहा है, और ट्राइंगल आई डैश पी आई ये एंगल आर ऑफ आर के बराबर दिख रहा है। ठीक ना, एंड आल्सो हमारे पास ट्राइंगल जो दिख रहे हैं, क्या आल्सो ट्राइंगल कौन से बन रहे हैं, तो ये बना रहे हैं ट्राइंगल ओ डैश ओ पी इज इक्वल टू ट्राइंगल आई डैश आई पी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिख रहा है। हम ये देख रहे हैं ये दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री इक्वल हैं, और ये दोनों क्या हैं सेम हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो ये दोनों क्या होंगे सिमिलर होंगे। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर इन सिमिलर ट्राइंगल इन सिमिलर ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, अब जरा देखिए यहाँ पर हमारे पास कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, ओ डैश पी या इसको लेते हैं ओ ओ डैश पी। ठीक ना, तो इन सिमिलर ट्राइंगल ओ ओ डैश पी ओ ओ डैश पी एंड और क्या मिलेगा यहाँ पर आई आई डैश पी। ठीक ना, तो क्या मिलेंगे यहाँ पर हमको मिल जाएगा आई आई डैश अपॉन ओ ओ डैश, इनका रेशियो इस रेशियो के इक्वल हो जाएगा, और इधर क्या मिल जाएगा यहाँ पर हमारे पास ये डिस्टेंस क्या दिख रही है पी आई, तो पी आई अपॉन पी ओ ये मिल जाएगा पी आई अपॉन पी ओ, मिल गया। तो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमने ये वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक ना, अब जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू है आई आई डैश ओ ओ डैश पी आई अपॉन पी ओ ये क्या है, तो ये इमेज डेंस है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू मिल रही है जरा देखें आई आई डैश ये क्या है, तो ये होंगे हमारे पास क्या होंगे, इसको हम वाई टू मानेंगे लेकिन ये निगेटिव होगा, कैसे जरा देखें, या इसको हम शायद हाइट एच टू मान सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड y2 लेते हैं, अपवर्ड y1 लेते हैं। ठीक ना, तो डाउनवर्ड हमारे पास y2 मिलेगा और ये डाउनवर्ड है इसलिए निगेटिव हो जाएगा। ठीक ना, इसी प्रकार हमारे पास क्या दिख रहा है ओ ओ डैश जो मिलेगा प्लस y1 मिल जाएगा। ठीक ना, और पी आई क्या मिलेगा, तो जरा देखें पी आई क्या है, तो पी आई ये तो हमारा इमेज डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये होता तो भी है लेकिन ये पोल के लेफ्ट में है इसलिए निगेटिव हो जाएगा, और क्या बचा यहाँ पर बचा है पी ओ और ये क्या हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा। ठीक ना, तो जैसा हम फिगर्स देख रहे हैं ये हमारे पास क्या दिख रहा है, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, और जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहीं से लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा। तो जरा देखते हैं आई आई डैश क्या है माइनस वाई टू अपॉन ओ ओ डैश क्या है वाई टू अपॉन क्या हो जाएगा प्लस वाई वन इज इक्वल टू पी आई ये क्या है माइनस भी अपॉन पी ओ क्या है माइनस
यू मिला। और ये किसके इक्वल होता है, यही हो जाता है किसके इक्वल, ये इक्वल हो जाता है यम के। यम क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आर हमें मिल जाएगा एम इज इक्वल टू, जरा देखें ये निगेटिव से निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर एक निगेटिव है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, वाई टू अपॉन वाई वन यहाँ पर मिलेगा, ये वैल्यू होगी, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये वी अपॉन सॉरी माइनस वी इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू मिल जाएगा, ठीक ना। तो एम इज इक्वल टू वाई टू अपॉन वाई वन इज इक्वल टू वी अपॉन यू, और यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे एम इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक ना। तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू जो होता है यही तो लीनियर मैग्निफिकेशन है, जैसा हम यहाँ पर फॉर्म डिफिनीशन में बताए थे कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो होता क्या है, रेशियो के किसके, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट, यही तो है इमेज हाइट और ये क्या है ऑब्जेक्ट हाइट, और इसी को हमने क्या कहा है, यही तो y2 है। यहाँ पर जैसा हमने कहा है आई आई डैश जो है वाई टू है, निगेटिव क्यों लिया गया, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड था। इसी प्रकार ओ ओ डैश वाई वन है, और वो पॉजिटिव क्यों लिया गया, वह प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड है, ठीक ना। सिमिलरली इन दोनों को हमने यूज किया, हम ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों पोल के लेफ्ट साइड में है, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी डिस्टेंस हम लोग पोल के लेफ्ट में मेजर करते हैं तो ऑलवेज निगेटिव होगा, इसलिए दोनों वैल्यू निगेटिव आ गए। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया लीनियर मैग्निफिकेशन, और यहाँ से हमने देखा यहाँ पर क्या मिल गया, तो m इज इक्वल टू वाई टू अपॉन वाई वन इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, या m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक ना। तो हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है, ये जो है ये इमेज और ऑब्जेक्ट हाइट के फॉर्म में है और ये इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के फॉर्म में है। जैसा हम जानते हैं ऑल द डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी हमारे पास जो भी डिस्टेंस हमने मेजर किया है पोल से किया है, और इनको हमने कहाँ से मेजर किया है, तो इनको हमने प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर किया है, जैसा कि डिफिनीशन में ही कहा गया था, ठीक ना। अब इस फार्मूले से कुछ और भी फार्मूले हमारे पास हैं, उनको भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे हम इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन में क्या करें, हम वन मान लेते हैं, और इसमें क्या करें, हम दूसरा फार्मूले का कॉन्सेप्ट लगाएं, क्या करें, दूसरे फार्मूले को कॉन्सेप्ट करके, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन का कुछ और भी फार्मूले को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और भी फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। नाउ By the mirror formula, हम लोग क्या जानते हैं, सिंस वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू मिलता है, यहाँ से हम कुछ और फार्मूले को डिराइव करने वाले हैं। इसमें क्या करें, हम वी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक ना, और यहाँ पर हो जाएगा वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी अपॉन एफ इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस वी अपॉन यू मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वी अपॉन एफ इज इक्वल टू वन प्लस वी अपॉन यू नहीं मिलेगा, और क्या करें, इसको उधर ले जाएं और इसको इधर लाएं, जब ये टर्म इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस वी अपॉन यू, और ये उधर जाएगा तो वन माइनस वी अपॉन एफ नहीं मिलेगा। अब जरा देखें, सिंस माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, तो अब इसके प्लेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एम पुट कर सकते हैं, तो देयर फोर हो जाएगा एम इज इक्वल टू वन माइनस वी अपॉन एफ, एक दूसरा फार्मूला मिल गया, ठीक ना। और यहाँ जरा देखें, इसको हम कुछ और सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ माइनस वी अपॉन एफ मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हेंस हमारे पास क्या मिल गया, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, एक फार्मूला यहाँ पर मिला। दूसरा क्या मिला हमारे पास, तो ये मिल गया वन माइनस वी अपॉन एफ, और तीसरा मिल गया एफ माइनस वी अपॉन एफ, ठीक ना। तो लीनियर मैग्निफिकेशन के ये फार्मूलों को हमने डिराइव किया, ठीक ना। ये जो फार्मूले हमने देखा, ये वी यू के फॉर्म में था, ये वी और एफ के फॉर्म में है, ये भी वी और एफ के फॉर्म में है। हम यहाँ पर एक और भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, वह एफ और यू के फॉर्म भी आएगा, ठीक ना। तो वह केस भी हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। नाउ अगेन क्या करें,
अब इस इक्वेशन से मिरर फार्मूला जो हमारे पास आया है इसमें यू से मल्टीप्लाई कर दें। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर हमको दिख रहा है 1/f = 1/v + 1/u, इसमें क्या करें यू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा u/f = u/v + u/u मिलेगा। ये क्या हो जाएगा इसको वैसे ही छोड़ देते हैं u/f, इसको भी हम क्या करते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं u/v, और ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। और इसको जरा देखें अब क्या मिलेगा, इसको हम क्या करें इसको इस साइड लाएं तो यहाँ पर हो जाएगा -u/v = 1 - u/f नहीं मिलेगा। अब क्या करें यहाँ पर जैसा वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है m = -v/u है लेकिन यहाँ पर u/v दिख रहा है तो अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमको 1/m = 1 - u/f नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर जरा देखें और हमको मिल जाएगा 1/m = एक फार्मूला जो हमारे पास बन के आया, अब f - u/f हो जाएगा और रेसिप्रोकल करेंगे तो m = f/f - u मिल जाएगा। मिल गया, तो हमने यहाँ से देखा एक दूसरा फार्मूला मिल गया हमारे पास m = f/f - u मिल जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला आया है वो किस फॉर्म में आया है, तो ये f और u के फॉर्म में आया है लीनियर मैग्निफिकेशन का, और यहाँ पर हमने देखा था v और u के फॉर्म में लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला आया था। ठीक ना, तो ये हमारे पास रहे क्या लीनियर मैग्निफिकेशन किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए, किसके लिए स्फेरिकल मिरर के लिए। यहाँ पर हमने कॉनकेव मिरर का यूज करते हुए ये फार्मूला को डिराइव किया है। ठीक ना, हमने क्या किया है कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट लेते हुए फार्मूले को डिराइव किया है, लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट लें तो भी हमारे पास सेम फार्मूला आएगा m = -v/u, या वह मिला है या यहाँ पर मिला है, सभी फार्मूले सेम आएंगे। ठीक ना, जैसा हम जानते हैं जो कॉनकेव मिरर होता है इससे जो इमेज फॉर्म होते हैं वह वर्चुअल इमेज भी फॉर्म होता है, रियल भी फॉर्म होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर से ओनली एंड ओनली वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। बट ये फार्मूले दोनों केस के लिए अप्लीकेबल हैं, चाहे हमारा कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। कॉनकेव मिरर में हमने देखा दो केस है, एक में रियल इमेज फॉर्म होता है और एक में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, लेकिन दोनों केस के लिए फार्मूले क्या हैं अप्लीकेबल्स हैं। ठीक ना, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ पर हम इन्हीं फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक ना,